देश छोड़ने की बात करने वाले आज देश प्रेम की बात कर रहे हैं। जिन्हें देश में डर लगता था, आज उन्हें उसी देश में अपनी फिल्म फ्लॉप होने का डर लग रहा है। जिसने देश को असुरक्षित बताया, आज वही सुपरस्टार अपनी फिल्म के लिए घुटनों पर आया। हिंदू धर्म का किया अपमान, बहुत पछता रहे आमिर खान। देशवासियों ने बता दिया क्या है असली हिंदुस्तान। जी, अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने वाले आमिर खान को आज देश ने घुटनों के बल ला दिया है। ये वही आमिर खान है जिन्हें देश में डर लगता था, जिनकी पत्नी को देश असुरक्षित लगता था। ये एहसान फरामोश ये भूल गए कि जिस देश में इनको और इनकी पत्नी को डर लगता है, उसी देश ने इन्हें बेशुमार प्यार दिया, बेशुमार दौलत दी, सुपरस्टार बनाया। कामयाबी सिर पर इस कदर चढ़ गई थी कि हिंदू धर्म का अपनी फिल्मों में धड़ल्ले से अपमान करने लगे थे, मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन ये भूल गए थे कि हर उगते सूरज का कभी ना कभी तो अस्त होता ही है। आमिर खान के सूरज का शायद अस्त होने का समय अब आ गया है। इसी वजह से उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज से पहले ही देश भर में बॉयकॉट होने लगी है। फिल्म तो 11 अगस्त को रिलीज होगी, उससे पहले अभी से ही सोशल मीडिया में हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसने आमिर खान को घुटनों के बल गिरकर देश से माफी मांगने को मजबूर कर दिया है। आमिर खान, जिन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, लंबे समय के बाद स्क्रीन पर वापस लौट रहे हैं। ये मूवी आमिर की ड्रीम प्रोजेक्ट बताई जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि आमिर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रह पाएगा। हमें तो लगता है कि ये ड्रीम ही रह जाएगा। ट्विटर पर आमिर खान की फिल्म पीके के कई सारे स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें एक्टर पर भगवान का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसको लेकर आज भी लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है। इसको लेकर और भी ट्वीट वायरल हो रहे हैं कि कैसे आमिर खान के पीके में भगवान का मजाक उड़ाया गया था और हिंदू धर्म का अपमान किया गया था। इतना ही नहीं, साल 2020 में आमिर खान तुर्की में थे और वहां के राष्ट्रपति की वाइफ एमिन एर्दोगान से मुलाकात की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी फोटो सामने आई थी, हंगामा मच गया था। लोगों का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के बाद भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश में जाकर आमिर का मिलना उन्हें रास नहीं आ रहा। इसी के साथ कुछ साल पहले की बात है, जब देश में असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान से हंगामा मच गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी वाइफ किरण राव को देश में रहने से डर लगने लगा है। इस बयान के बाद खूब विवाद हुआ था और उन्हें पूरी तरह ट्रोल किया गया था। लोगों को वो वाकया भी याद आ गया और अब वो इसको लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से बॉयकॉट का बस बना हुआ है, वो देखकर आमिर खान परेशान हो गए हैं। इतने परेशान हो गए कि अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ा, कहना पड़ा कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। बोले, एक मूवी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इससे कई लोग जुड़े होते हैं। लोगों से गुजारिश की कि उनकी फिल्म को बॉयकॉट ना करें और फिल्म देखने थिएटर जाएं। फिल्म रिलीज से पहले इस तरह की चीजें हट करती हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे इस मुल्क से प्यार नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे प्यार है अपने देश से और यहाँ के लोगों से। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज मेरी फिल्म को बॉयकॉट ना करें और थिएटर पर जाकर फिल्म देखें। जब वक्त की मार पड़ती है तो ऐसे ही सुर बदलते हैं। ये वही आमिर खान हैं जो बड़े चौड़े में कहते थे कि इस देश में उनकी पत्नी को डर लगता है। आज खुद डर लग रहा है, और डर किस बात का लग रहा है कि फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं, कभी भी किसी चीज की अति नहीं मचानी चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान करके उन्होंने जो दुस्साहस किया, अब हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी धर्मी और साथ ही साथ देशवासी अब आमिर खान को उनके उसी दुस्साहस का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में ट्रेंड में चल रहे बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।